और ये देखिए हनुमान जी जिनसे पापा ने हाथ मिलाया है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीट सिस्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है 7:40 और आज दशहरा, तो आप सबको हैप्पी दशहरा। तो आज का व्लॉग ये स्टार्ट करें हम दशहरा का, देखते हैं आज के व्लॉग में आपको क्या देखने के लिए मिलता है। व्लॉग को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये देखिए परी अभी भी सोई रही है। परी उठ जा, ये देखो अभी सोई रही है परी, रिंग पहनकर सो रखी है। उठ जा परी, रेणु भाभी की बेटी हो गई। यस फ्रेंड्स, जो आपने रेणु भाभी को तो देखा ही होगा मुक्की भैया की शादी का, अगर जिस जिसने ब्लॉग देखा है उसको पता होगा रेणु भाभी कौन है। तो रेणु भाभी की बेटी हुई है जिया की, जो चाची हैं। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग घर पे अकेले हैं क्योंकि मम्मा जा रखी है नानी के वहाँ। मम्मा के जैसा आपको पता है कि नानी गई थी जयपुर, हमने आपको बताया था कि नानी को हमारे वहाँ से इसलिए जाना पड़ा क्योंकि नानी को मामा के साथ घूमने जाना था। तो वहाँ से नानी मम्मा के लिए साड़ी लेकर आई हैं, तो मम्मा वही साड़ी लेने गई हैं नानी के वहाँ बुराड़ी। तो जब हम आएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। बाकी अभी हम लोग ने अपना लंच कर लिया है और माधव जी भी सो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग कर रहे हैं थोड़ा सा इन्जॉय और अभी हम पी रहे हैं स्प्राइट और साथ ही हमने अपनी फेवरेट चाउमीन मंगवाई 2 पैकेट, एक ये और इधर रखी है। और सामने चल रहा है टीवी, टाइम की मूवी आ रही है तो वही देख रहे हैं अभी। और स्प्राइट कर दी हमने ख़त्म और स्प्राइट का ढक्कन खोल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से खोला है परी से, बहुत ट्राई करा हम दोनों ने, उसके बाद जाके खुला है और इन्जॉय कर रहे थे स्प्राइट। अब मम्मा आ चुकी हैं नानी के यहाँ से। जैसा मैंने आपको बताया था नानी गई थी जयपुर, तो नानी मम्मा के लिए साड़ी लेकर आई हैं जयपुर से, जिसका डिज़ाइन और प्रिंट दोनों ही बहुत अच्छा है। और मैचिंग के कड़े भी लाई हैं नानी, लाई हैं मम्मा के लिए। और साथ ही मम्मा विशाल मेगा मार्ट से ही लेकर आई हैं अप्पे मेकर। अब हम जो मम्मा अप्पे की डिश बनाएंगी तब उसका भी छप्पन भोग रसोई में डल जाएगा, ये इसको ढकने के लिए। मेरी चप्पल हो रखी थी छोटी तो इसलिए मम्मा मेरे लिए लेकर आई है दूसरी चप्पल। तो फ्रेंड्स अभी दशहरा पे हम लोग जा रहे हैं बाहर, देखते हैं बाहर जाके हम लोग कहाँ जाते हैं और क्या क्या खाते हैं वो सब आप सबको दिखाएंगे। तो अभी चलो चलते हैं नीचे। तो अभी हम लोग निकल गए हैं अपनी सवारी पे घूमने के लिए, आज दशहरा है। तो यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं दशहरे के दिन। ये गोलगप्पे का ठेला है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं चाट भंडार में। और यहाँ पे आप भीड़ देखिए, आज पूरे दिन बहुत ज़्यादा भीड़ है दशहरे के दिन, पूरी लाइटनिंग हो रखी है। और यहीं से ही दिवाली की पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पे अभी हम आए मद्रास कैफ़े और यहाँ पे डोसा, अनियन मसाला डोसा और चाउमिन का ऑर्डर दे रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं जब आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बड़ा और सांभर डोसा आ रहा है, सांभर मंगवा लिया है। चाउमिन खाने के बाद हम लोग आ गए हैं आइसक्रीम अड्डे पे और यहाँ से लेंगे आइसक्रीम। तो चलिए अब अंदर चल के आपको आगे का दिखाते हैं, ये देखिए। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम के और हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, और सिलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था तो चूज़ करने में काफ़ी टाइम लगा। और आप मेन्यू देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शंस हैं आइसक्रीम के। और उसके बाद जब सिलेक्ट करने में थोड़ा टफ लगा तो पापा को करवाया टेस्ट आइसक्रीम, मॉकटेल्स वगैरह सब है, स्नैक्स में भी यहाँ पे शेक्स। अभी हमने फाइनली एक आइसक्रीम चूज़ कर लिया जो आपको पीच कलर में दिख रही है वही। गाइज यहाँ पे दोनों देखो झूला झूल रहे हैं आइसक्रीम अड्डा। आज हमने यहाँ से पहली बार लिया आइसक्रीम, देखेंगे ट्राई करके। ये देखिए मम्मी पापा भी झूले में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आइसक्रीम अड्डा अपना बिहार आप ट्राई करें फ्रेंड्स। हमें तो आइसक्रीम अच्छी लग रही थी, रेट भी सही है इनके, टेस्ट भी करी है हमने। और चलिए अब चलते हैं। और अभी हम लोग आइसक्रीम लेकर आ चुके हैं, आप लाइटनिंग देख सकते हैं। और यहाँ पे मम्मी का छप्पन भोग पूरी, मेरा छप्पन भोग मेरे किचन में है। तो अभी आप बाहर पूरी रौनक देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रश भी था दशहरे के दिन। और यहाँ पे लाइटनिंग देखिए, आज लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह और जोश है। और अभी हम लोग आइसक्रीम ले चुके हैं और अब घर जाके खाएंगे आइसक्रीम। और यहाँ पे रास्ते में हमें दिख गई झांकी, आप देख सकते हैं कितनी झांकियाँ निकल रही हैं। और ये देखिए हनुमान जी जिनसे पापा ने हाथ मिलाया है,
और आप जिन भैया को देख रहे हैं उन्होंने आके परी को डरा दिया चीख के। और यहाँ पे देखिए शिव जी भी आ रहे हैं। और यहाँ पे सब में बहुत ज़्यादा जोश, पापा में भी बहुत ज़्यादा जोश है। और यहाँ पे आगे चल चल के सीता मैया जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। तो अभी पूरी झांकी देखकर आके अपनी गली में देखा कि रावण का दहन हो रहा है और काफ़ी सारे पटाखे फूट रहे हैं। रावण का दहन और दशहरा अच्छे सेलिब्रेट हो रहा है। अब गाइज आगे देखते रहिए, हमें मिलने वाला है एक बहुत बड़ा सरप्राइज। तुम तो सरप्राइज भी नहीं हो रहे इसको देख के, गले भी नहीं मिल रहे, सरप्राइज भी नहीं हो रहे। तुम्हारे दोस्तों को ढूंढ ढूंढ के ला रही हूँ मैं। आंटी तो लेके आई मुझे। आ जा बाबू आ जा। यहाँ पे देखिए गौरी मम्मी के। हाय गाइस, जब मम्मा हमारा टेस्ट लेती है उसकी गौरी बात बता रही है कि गौरी का हमारी मम्मी मतलब स्ट्रिक्ट लगती है। तो फ्रेंड्स अभी गौरी जा रही है अपने घर। बाय बाय, दोबारा मिलते हैं फिर। फिर मिलेंगे और वैसे गौरी का बर्थडे है 9 अक्टूबर को। हाँ, वैसे मेरा जन्म हुआ था मतलब दशहरे वाले तिथि के हिसाब से, बाकी 9 अक्टूबर को है गौरी का बर्थडे। तो आप लोग एडवांस में विशेस डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और गौरी तुम व्लॉग बनाओगे अपने चैनल? हाँ, मैं स्टार्ट करूंगी व्लॉग बनाना। अपने बर्थडे का व्लॉग बनाओगे? हाँ, मैं बिल्कुल बनाऊंगी अपने बर्थडे का। तो फिर आप गौरी के चैनल पर देख लीजिएगा, मैं एक और बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक गौरी के चैनल का। बाय बाय, फिर मिलते हैं। ओके। और गाइस हम चलते हैं वापस से ऊपर, और साथ ही अब इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। और मैं गौरी के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उधर जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक कीप वॉचिंग स्वीट सिस्टर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।